ये देखिए कोई जंतु का है, ये कोई जंतु है, जीव जंतु, पहाड़ी जंतु जो जल करके मर गई है। यहाँ देखिए, तो अभी हम है पलामू जिले के अंतर्गत, पलामू जिले के उंटारी प्रखंड के अंतर्गत जोगा पंचायत के जोगी पहाड़ के पास, क्योंकि ये जो सड़क देख रहे हैं उधर दिखलाइए, इस सड़क से अभी हम क्रॉस कर रहे थे और अपने एक गांव में जोगा पंचायत के अंदर जा रहे थे। उसी रास्ते में ये उंटारी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है जोगा पंचायत, और इस पहाड़ का नाम है ठीक गांव के सटे हुए जोगी पहाड़। ये पूरे पहाड़ के चारों तरफ आग का तांडव है, आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है, और काफी काफी ज्यादा मतलब आग का जो भयानक जो रूप आप देख सकते हैं। अभी हम दूर है, नीचे में ही है, इतना देर में अभी हम लोग चलेंगे पहाड़, चढ़ेंगे ऊपर में, क्योंकि चढ़ते वक्त तो हम वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं आपको, लेकिन इसके टॉप पर अभी हम लोग चलेंगे, अभी इसके हम लोग टॉप पर चलेंगे और टॉप पर जा करके और ऊपर का सारा कुछ दिखाएंगे कि आखिर ये आग लगी हुई है तो कितना दूर, यानी कितने दायरे में लगी हुई है, और इससे क्या क्या नुकसान है, आसपास में कोई खेती वगैरह भी है या नहीं है, कोई जीव जंतु जानवर को भी नुकसान है, यहाँ के पेड़ पौधे पर्यावरण कितने बचे हैं, कितना का नुकसान हो गया है। इस आग को बुझाने के लिए जो स्थानीय लोग यहाँ पे आए हैं उन लोग को हम 2 मिनट के लिए अपने पास बुलाए हैं, इसलिए कि ये आग कुछ देर पहले ही लगी हुई है, तकरीबन 2-3 घंटा पहले लगी हुई है। इसके पहले हम रेला में थे, तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर थे हम, जानकारी मिलने पर हम यहाँ अभी हम आए हुए हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं और कुछ यहाँ पे स्थानीय वासी जो है हमारे साथ जो आग का बुझाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जोगेंद्र कुमार मेहता। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? हम आग बुझा रहे हैं। अभी हम लोग 10-15 मिनट पहले फोन किए 2-3 आदमी पास, उन लोग बोले क्या रहे हैं, अभी तक आइए रहे हैं, अभी जिसने हम लोग घर पर सोए हुए थे, फिर वहाँ पे हम खेत पे जाने लगे, गेहूँ के भूसा लाना था वहाँ से, तो लाने के समय हम देखे क्या यहाँ पे लगाया, तो हम इन लोग पास फोन किए, आग लगा, इन लोग भी आए हमारे साथ आग बुझा रहे हैं। मतलब इन लोग को जैसे ही जानकारी मिला, इन लोग एक ग्रुप में 5-7-10 लोग आकर के तुरंत दौड़ते भागते हुए यहाँ पे आए और आग बुझाने का काम किए, क्योंकि आस पड़ोस में इस पहाड़ी के सटे हुए इन लोग का भी खेत है, कई एकड़ खेत है जहाँ पे गेहूं की फसल लगी हुई है। आपका नाम क्या है? छोटलाल चौधरी। यहाँ पे आप जो आग बुझा रहे हैं, तो और अपने साथी लोग को बुलाए हैं या आप ही लोग? बुलाए थे लेकिन मगर नहीं आने पाए उन लोग। अच्छा, बाकी हम लोग जितना थे हम लोग आज आग बुझाने के काम कर रहे हैं, और बुझ भी गया और नहीं बुझा है, तो अभी बुझाने हम लोग काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार चंद्रवंशी। अच्छा, यहाँ पे जो आग लगा हुआ है, इसमें अगल बगल कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं है, आप लोग डंडा के माध्यम से नीचे से ऊपर तक बुझाते हुए जो आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि पूरे पहाड़ में जितना सारा मतलब जितना दूर में आग पकड़ा हुआ है उस आग पर काबू पा लीजिएगा? नहीं, पूरा तो नहीं बुता सकते हैं, लेकिन जितना हम लोग से बनेगा उतना हम लोग बुताएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि सारा बुताए, लेकिन क्या करें, स्थानीय पूरा ग्रामवासी उधर से बैठ के सब देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को देखा नहीं गया, पेड़ पौधा का नुकसान होगा, हम लोग सोचे कि जितना हम लोग से बनेगा बुताएंगे, और काफी देखिए इधर से काफी हम लोग बुताए हैं और आगे बुताएंगे देखे हम लोग। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे जोगा पंचायत वासी यानी पहाड़ के सटे हुए जितने भी लोग निवास करते हैं उन सभी को जानकारी है कि इस पहाड़ में आग लगी हुई है, और ठीक इस पहाड़ के बगल में गेहूं का कई एकड़ जमीन पर गेहूं का फसल लगा हुआ है, और इन लोग के साथ एक 10 से 12 साल का उम्र के एक लड़का भी साथ में आया है, इनका भी हौसला देख लीजिए। क्या नाम है आपका? रवि कुमार मेहता। अच्छा, यहाँ पे जो आप आए हैं, तो इन लोग के साथ कब से आप आग बुझा रहे हैं, मतलब कितने देर से? लगभग आधा घंटा से। आधा घंटा से बुझा रहे हैं? आधा घंटा से हो गया। हाँ, आग पूरी तरह से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु भी परेशान है, जीव जंतु भी यहाँ से भागने का प्रयास कर रहे हैं, कितने जीव जंतु जल गए, कितने मर गए, पूरे जितना पर्यावरण जितने पेड़ पौधे हैं सारा का सारा समझिए कि झुलस गया, राख हो गया, जो एक समय ये देखने लायक थी, और बहुत लोग यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा मैंने सुस्ता करके और आनंद लेने के बाद यहाँ से सब निकलते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको हम एक चीज दिखाते हैं, यहाँ देखिए एक जंतु देखिए, आग लगने से यहाँ देख सकते हैं एक जंतु लाई डंडा नहीं है, ये देखिए कोई जंतु का है, ये कोई जंतु है, जीव जंतु, पहाड़ी जंतु जो जल करके मर गई है, यहाँ देखिए जल करके मर गया है, हम उसका मुंडी अपने हाथ में लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नजदीक कैमरा दिखाइए और इसको देख लीजिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कोई जंतु है जो मर गया, जल गया, और इसके अलावा और कई भी इधर देख सकते हैं चारों तरफ जो आग पूरी तरह से पकड़ा हुआ है, माने इस पहाड़ी में चारों तरफ भरपूर कहे तो आग का पूरी तरह से तांडव है यहाँ पे, लेकिन सभी को पता है, और उसके साथ आग पे काबू अगर पाया जाए तो कैसे पाया जाए आग पे काबू, इसका हम नहीं बता सकते, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लोग आ रहे हैं, ग्रामीण लोग आ रहे हैं, उसको डंडा से सिर्फ बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस पर फिर भी आग पर काबू
अब हम आपको दिखाते हैं पहाड़ से, यानी हम लोग उस समय पहाड़ पर थे टॉप पे, और वहां से अब हम आ गए हैं नीचे। अब नीचे में दिखाते हैं कि आपका जो तांडव है, लहर है, कितना दूर में फैला हुआ है। आप चारों तरफ दिखा सकते हैं, आप चारों तरफ दिखा दीजिए। यहाँ पे इतना हरियाली रहती थी, यहाँ पे इतना हरियाली रहती थी, यहाँ का नजारा देखने लायक था। लेकिन अभी के समय में आप चारों तरफ, नीचे दिखाइए, नीचे चारों तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए हड्डी, यहाँ पे कुछ जानवर का हड्डी जला हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ नजदीक कैमरा कीजिए, ये देखिए। यहाँ का स्थानीय जो महिलाएं हैं वो भी अपने तसला बाल्टी और ये सब में अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी से जाकर के पानी ला करके आग बुझाने का काम कर रही थी। मतलब 1 किलोमीटर दूर से पानी ला करके भी इन लोगों को भी लग रहा है कि ये आग धीरे धीरे कहीं फैलते फैलते हम लोग को घर तक भी ना पहुंच जाए। इसे देखते हुए इन लोग भी आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरा इलाका में फैला हुआ है, इन लोग को जज्बा को देखना चाहिए, महिलाओं को सीखना चाहिए कि कुछ न कुछ प्रयास करने से ही संभव है। ये महिलाएं अपने घर से तसला बाल्टी में पानी लाई है, 1 किलोमीटर दूर से पानी ला करके आग बुझाने का काम कर रही है।